आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में मैं आपके साथ सुरभि। हाल ही में महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एक अस्पताल के सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई है। आग शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात्रि करीब 2 बजे लगी थी। हालांकि आग लगने के बाद 17 में से 7 बच्चों को बचा लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट में जिस वक्त आग लगी तब वहां कुल 17 नवजात बच्चे मौजूद थे। आग लगने की सूचना मिलने पर आनन फानन में फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन 10 बच्चों की आग में झुलसकर मौत हो गई। हालांकि बाद में 7 मासूमों को बचाने में कामयाबी भी मिली। नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। लोग अस्पताल में आग कैसे लगी इसकी जाँच की मांग कर रहे हैं, वहीं अन्य लोग इसे अस्पताल की लापरवाही करार दे रहे हैं। इसमें बड़े पैमाने पर ह्यूमन एरर भी है, क्योंकि इतना बड़ा NICU वहां पर तैयार हुआ लेकिन वहां पर फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये मेरे पास कागज मुझे यहां पर मिला है जिसमें 12 मई 2020 को इसका प्रस्ताव गया है कि यहाँ पर फायर सेफ्टी मेजर्स किए जाने चाहिए, लेकिन वो केवल प्रस्ताव गया और पड़ा रहा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वो कार्रवाई होती तो शायद ये 10 बच्चे इस प्रकार से हमारे में से नहीं चल बसते। अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा है। महाराष्ट्र के भंडारा में ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने दरवाजा खोला और कमरे में धुआं उठता हुआ देखा। इसके बाद उन्होंने तुरंत अस्पताल के अधिकारियों को बताया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अस्पताल में मौजूद नवजात के पिता हीरा लाल ने कहा है कि मुझको बताया कि मेरी बच्ची चली गई है, अभी बच्ची का डेड बॉडी देने को कहा है, यहाँ लापरवाही चल रही है। वहीं गुमान चौधरी ने बताया है कि हमको 2 बजे इसकी सूचना मिली, मेरी नातिन की मौत हो गई है, हमें उनसे मिलने भी नहीं दे रहे, 10 दिन हो गए हैं और लापरवाही हो रही है। वहीं सोशल वर्कर सुधीर सर्वे ने कहा है कि यहाँ लापरवाही की जा रही है, आग लगी तो वहाँ बचाने के लिए स्टाफ का कोई नहीं था, फायर ब्रिगेड वाले भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी थी। बच्चों को तुरंत हटाना चाहिए था लेकिन वहां कोई नहीं आया। अब अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाया जा रहा है कि कैसे 17 बच्चों के रोने तक की आवाज बाहर नहीं आई, क्या आसपास कोई देखभाल के लिए मौजूद नहीं था, आग लगने पर फायर अलार्म क्यों नहीं बजा। मृतक बच्चों के परिजन अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं आग पर काबू पाने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। आशंका जताई जा रही है कि सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट में आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।